वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। आज के क्लास में एक और नया पैटर्न क्रिएट करेंगे और काम करेंगे ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर में। जिनके पास ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर है ठीक है, उसे में काम करो, और जिनके पास ऑप्टिटेक्स के अलावा और कोई सा भी पैटर्न मेकिंग का सॉफ्टवेयर है आप उसी में काम करो। आपको सिर्फ एक चीज़ फॉलो करना है, वो है टेक्निक। टेक्निक को फॉलो करोगे तो फिर आप कैड हो या फिर मैनुअल किसी भी पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्निक को फॉलो करना है। और एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों के पास ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जो लोग ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो, तो फिर उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है जो मेरा ही फेसबुक का लिंक, उस फेसबुक लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरा फेसबुक पेज पर पहुंच जाओगे। जाने के बाद वीडियो पे जाओ, जाने के बाद वहीं पे हाउ टू डाउनलोड ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर, उस वीडियो को देख के आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर लेना। ओके, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पैटर्न मेकिंग का एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो आज के क्लास में जो बनाने वाले हैं वो है ये जैकेट विथ सॉल कॉलर। ठीक है, जैकेट विथ सॉल कॉलर, ये जो पैटर्न है ये बहुत ही यूनिक टाइप का एक पैटर्न है। जो इस पैटर्न को कैसे बनाते हैं और इसकी जो फुल जो पैटर्न है आपको दिखा देते हैं, कंप्लीट पैटर्न कुछ इस टाइप का आपको दिखने को मिलेगा। यानी जो बेस पैटर्न है, बेस पैटर्न के साथ ही आपका जो सॉल कॉलर है इंक्लूड है। ये बहुत ही एक बेहतरीन पैटर्न है, आपको ये पैटर्न आज प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे। तो इसका जो लुक है कुछ इस टाइप का है, देखो आउटसाइड में भी राउंड है और अंदर साइड में भी राउंड है। और ये राउंड क्यों है, देखो यहीं पे जो डार्ट है, ये डार्ट के वजह से ही राउंड है। तो इसको प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे। और जो बाकी है बिल्कुल सेम है, यहीं पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया, जैसे शोल्डर जो डार्ट है वो शोल्डर डार्ट को क्लोज करके यहीं पे बस डार्ट खोल दिया गया। चाहे तो आप यहीं पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली बना के देखते हैं जो इसको कैसे बनाए बहुत शॉर्ट टाइम पे। ओके, तो ऑप्टिटेक्स सॉफ्टवेयर में आ गया। आ जाने के बाद वही बेस पैटर्न जो पहले फर्स्ट जो ब्लेजर पैटर्न बनाया था उसी बेस पैटर्न से ही बनाएंगे, ऐसा नहीं जो इसके लिए अलग से एक नया बेस पैटर्न बनाएंगे। अगर ये बेस पैटर्न अगर आप लोगों में से कोई अगर ना देखे होंगे तो ये जाके देख लो, तो ये फिर इसी बेस पैटर्न से तरह तरह की जो जितना ब्लेजर है इसी बेस पैटर्न से ही बनते आ रहा है और बनेगा भी आगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो देखो ये जो बेस पैटर्न है इसी बेस पैटर्न से ही ये हमने कॉपी करके रखे हैं। अब इसको और एक कॉपी करेंगे और एक दूसरा पैटर्न निकाल लेते हैं कुछ इस टाइप का। ओके, हमेशा कॉपी करके ही काम करना, क्योंकि ये पैटर्न अगर खराब हो जाए तो फिर इसको डिलीट कर देना करके, फिर इसको कॉपी करो, कॉपी करके फिर दोबारा आप उसी में काम करो। अगर ये फाइनल पैटर्न से ही काम करोगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत ये होगा, आपको शुरू से फिर इस पैटर्न को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा कॉपी करके काम करना, खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो ये पैटर्न आ गया, तो शुरू करते हैं। देखो पहले एक गाइडलाइन लेंगे, नीचे से शुरू करते हैं, इसको कुछ इस टाइप का रखना होगा। रखने के बाद फिर जितना जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को डिलीट करेंगे, चाहे तो इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ओके, अब देखो इस जगह पे आपको एक कोना पॉइंट आपको बनाना है कुछ इस टाइप का, और इसको करेंगे ग्रेड पॉइंट। ठीक है, यहीं पर भी है कुछ पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट को डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। अच्छा, सेकंड काम है, यहीं पर भी है एक पॉइंट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, सेकंड काम है, यहीं पे देखो ये जो नेक है, ये नेक बेस पैटर्न जो बनाया था उसी बेस पैटर्न का ही नेक, यानी ये जो बेसिक बॉडी की जो बेस पैटर्न है, गौर से देखो इस जगह पे जो बेसिक बॉडी की जो बेस पैटर्न है ये है। ठीक है, अब इसी से जब ब्लेजर का नेक निकाले थे फिर ये 1.3 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लगा के इसको बनाया था, लेकिन हमें अभी चाहिए ये वाला जो बेस पैटर्न की जो पॉइंट है इस पॉइंट ही और ये पॉइंट, यानी 6.6 सेंटीमीटर इस तरफ, 6.6 सेंटीमीटर नीचे, यानी विड्थ और डाउन दोनों तरफ ही 6.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चाहे तो यहीं पे एक आप ग्रेड पॉइंट देकर इस पॉइंट को भी डिलीट कर दो। ठीक है, ये हो गया, अब यहीं पे ये जो पॉइंट है इसको भी डिलीट कर दो। 1.3 सेंटीमीटर उठाना है ऊपर की तरफ, इसको बिल्कुल सीधा ऐसा उठाओ, आरा टेरा हो जाए, शिफ्ट प्लस एरो क्लिक कर देना, फिर ये फिक्स हो जाएगा वर्टिकली। यहीं पे कितना उठाना है, यहीं पे देखो 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दूर उठा दिए, उठाने के बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को चाहे तो डिलीट कर दो। करने के बाद फिर
और एक आपको गाइडलाइन लेना है और बिल्कुल इसको एक राउंड शेप दे देंगे, जैसे बेसिक बॉडी में होता है वैसे ही राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक काम जो करना है वो करना है, जो यहीं पे एक लाइन था वो कौन सा लाइन था, ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग के लिए कितना यहीं पे था, वो 2.5 सेंटीमीटर का ओवरलैपिंग था। इस जगह से 2.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाएंगे और बिल्कुल सीधा ऊपर इस पॉइंट तक लाके मिलाएंगे। ठीक है, यहीं पर भी देखो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब चाहे तो गाइडलाइन को अभी फिलहाल डिलीट कर दो, ये हो गया। अब इस जगह पर भी एक चाहे तो बिल्कुल सीधा इस पॉइंट पे भी एक पॉइंट ग्रेड पॉइंट डाल दो, ये हो गया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखते जाना। ठीक है, यहीं पे देखो पहले नेक बनाते हैं, चाहे तो इस पैटर्न को देख लो, पहले नेक बनाते हैं इस जगह से। ये नेक बनाने के लिए आपको ये पॉइंट जो है, ये वेस्ट पॉइंट है, वेस्ट पॉइंट से कितना इस जगह तक 8.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट ऊपर उठाना होगा, एक पॉइंट लगाना होगा। लगाने के बाद बिल्कुल नेक से इस जगह से बिल्कुल ऐसा बिल्कुल तिरछा एक आपको गाइडलाइन रखना है या फिर लाइन डालना है, और वो लाइन सीधा बिल्कुल ऊपर तक हो जाएगा। फिर उस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर नीचे करके 7 सेंटीमीटर चौड़ा पहले ये जो कॉलर है इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना 8.5 सेंटीमीटर आपको एक पॉइंट ग्रेड पॉइंट दे देना है। देने के बाद एक गाइडलाइन लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, फिर एरो की से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ इस टाइप का आपको एक लाइन रखना है और ये बिल्कुल सीधा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इस जगह पे एक लाइन डाल दो। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो यहीं पे इस जगह से इस जगह तक आपको जो लेंथ आपको लगाना है वो लेंथ कौन सा है, यहीं पे देखो बैक नेक की लेंथ कितना है 8.33 सेंटीमीटर। तो 8.33 सेंटीमीटर आपको ऐसा ड्राफ्ट टूल लेके इस पॉइंट तक बिल्कुल सीधा उठाएंगे, इसको रखेंगे कितना 8.33 सेंटीमीटर, बस इसको एंड करेंगे। ये देखो यहीं पे 8.33 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गया। ओके, अब करना क्या है, इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ इसको ले आना है कुछ इस टाइप का। ये कितना करना है, 2 सेंटीमीटर पीछे करने से अब देखो ये लेंथ जो है थोड़ा सा बढ़ गया, 8.33 से 8.81 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर और एक काम कर सकते हैं, इस जगह पे एक गाइडलाइन ग्रेड पॉइंट डाल दो, एक पॉइंट लगाने के बाद 8.33 सेंटीमीटर पे एक ग्रेड पॉइंट दे दो और जो एक्स्ट्रा है उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, ये रेडी हो गया 8.33 सेंटीमीटर और इस जगह से 2 सेंटीमीटर नीचे भी हो गया। अब क्या करना है, ये जो गाइडलाइन है इस गाइडलाइन को एंटर की प्रेस करेंगे, करने के बाद फिर ये जो शेप है उसी शेप पे ही इसको लगाना है कुछ इस टाइप का। लगाने के बाद चाहे तो और एक इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद एंटर की करो और उसी का ही 90 डिग्री पे इसको घुमा दो, ये घूम गया। ठीक है, उसके बाद और एक आपको काम करना है वो है ये जो गाइडलाइन है इसको चाहे तो और एक कॉपी कर लो। करने के बाद फिर उसी जगह के या फिर उसी गाइडलाइन के ऊपर रखो, रखने के बाद आपको लगाना है जो नेक का जो कॉलर का विड्थ है वो विड्थ लगाना है -7 सेंटीमीटर हो या फिर 8 सेंटीमीटर, जितना लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का लगा दिया। लगाने के बाद फिर और एक ये जो गाइडलाइन है इस गाइडलाइन को भी कॉपी करके इस जगह तक ला के छोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का बॉक्स बन गया। अब देखो ड्राफ्ट टूल को लेंगे, एक ही बार में इसको ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, फिर इस ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट यहीं पे लाके इसको मिला देंगे। अब करेंगे कंट्रोल ऑल जी, ऑल गाइडलाइन को डिलीट कर दिए। अब इसको हल्का सा करेंगे कर्व, कुछ इस टाइप का शेप दे देंगे और उसके बाद फिर इसको करेंगे, इस पॉइंट को करेंगे कर्व। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ एक कर्व आ गया। चाहे तो इसको नॉन ग्रेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ इस टाइप का शेप आ रहा है। आपको एक बेहतरीन सा शेप बनाना है, चाहे आप जैसे भी बनाओ बिल्कुल बेहतरीन सा एक शेप बना दो। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको भी हल्का सा
शेप देना है। देखो कुछ इस टाइप का आपका शेप आ गया, ये शेप कौन सा है यहीं पे देखो, बिल्कुल जो शेप बनाया अभी वही शेप है, और यानी ये जो पैटर्न है बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसा स्केच में है। अच्छा अब करेंगे ये जो डार्ट है इस डार्ट को लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इस डार्ट को क्लोज करेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो ये डार्ट लगाने से देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से थोड़ा यानी 2 सेंटीमीटर के आसपास नीचे लगा, एक पॉइंट लगा के फिर ये जो डार्ट की लेंथ है ये 16 से 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 से 17 सेंटीमीटर आपको ये डार्ट की लेंथ लगाना है, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट से करो 2 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे एक पॉइंट लगाओ और इसको ग्रेड पॉइंट कर दो। करने के बाद फिर इस पॉइंट से आपको करना है 16 से 17 सेंटीमीटर, चलो 17 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद इसको ग्रेड पॉइंट दे देंगे। अब देखो ये कितना 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर का बीच में और एक आपको पॉइंट लगाना है, वो कितना 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर करोगे तो फिर ये दोनों तरफ, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, दोनों तरफ ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब यहीं पे डार्ट लगाने का एक अच्छा और बहुत आसान टेक्निक आपको दिखा रहे हैं। एक गाइडलाइन ले लिया, उसके बाद फिर उस गाइडलाइन को बिल्कुल जैसा है वैसे उसी शेप पे रखेंगे। रखने के बाद फिर एक इसको कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, फिर इसको उसी गाइडलाइन का ही 90 डिग्री घुमा देंगे और उस गाइडलाइन को इस जगह पे रखेंगे। रखने के बाद देखो इसको एंटर किए -1 सेंटीमीटर, गौर से देखना मैं कैसे बनाते जा रहा हूँ। ड्राफ्ट टूल लिए, लेने के बाद सॉरी इसको टोटल 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल 1 सेंटीमीटर होगा यानी 0.5 सेंटीमीटर उस तरफ, इंटर -0.5 सेंटीमीटर इस तरफ करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर इस तरफ करेंगे। ड्राफ्ट टूल को दोबारा लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस जगह पे चाहे तो आप शिफ्ट की इसको शिफ्ट की प्रेस करके रखोगे तो ये हल्का सा राउंड शेप आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहीं तक एंड कर दिया, उसके बाद फिर और एक बार इसको करेंगे एंटर 1 सेंटीमीटर। अब देखो फिर ड्राफ्ट टूल को लेंगे, इस पॉइंट से यहीं पे शिफ्ट की प्रेस करके रखो, रखने के बाद फिर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आप रख दो, कंट्रोल ऑल्ट जी, देखो ये डार्ट क्रिएट हो गया। ये कौन सा, ये वाला जो डार्ट है, ये टोटल है 1 सेंटीमीटर का, ये बिल्कुल जो डार्ट है वही डार्ट रेडी हो गया है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे ये जो डार्ट को क्लोज करेंगे और यहीं पे ओपन करेंगे, और ओपन करने के लिए देखो ये जब इस जगह पे डार्ट को क्लोज करोगे और ये काटेगा यानी ये जो ओपन होगा यहीं तक, लेकिन इस जगह से आपका ये जो डिस्टेंस है यानी ये 5 से 6 सेंटीमीटर मिनिमम, ये जो बास्ट पॉइंट है बास्ट पॉइंट से मिनिमम 4 सेंटीमीटर करना होता है, लेकिन 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप 6 सेंटीमीटर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर दोबारा उसी पैटर्न के ऊपर आएंगे, आने के बाद देखो ड्रॉप टूल लिए, लेने के बाद उस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस जगह पे कहीं पर भी एक पॉइंट यहीं पे लगा दो। लगाने के बाद इसको कितना सेंटीमीटर नीचे अगर आप देना चाहते हैं उसको लगाना होगा, 6 सेंटीमीटर के नीचे आप लगा सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, यानी कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दो। लगाने के बाद फिर इसको करोगे आप काट, ये हो गया। अब देखो इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, आर की प्रेस करेंगे, फिर इस जगह से इस जगह तक इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको जॉइंट भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप जॉइंट भी कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का अगर रखोगे तो फिर ये जॉइंट हो गया, ये सिंगल पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। तो ये जॉइंट कर दिया, उसके बाद इस पॉइंट को भी डिलीट कर दो। अब देखो ये जो डार्ट टूल है, इस डार्ट टूल को आप ऐसा करके इसके ऊपर ले जाओ और यहीं पे आप एक डार्ट डाल दो। डालने के बाद इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर, और हमें कितना कम करना है 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, आप कुछ भी कम कर सकते हो, यानी अगर 6 सेंटीमीटर कम करो तो फिर उस जगह पे आपको 14 सेंटीमीटर लगाना है, और उसको करेंगे एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद ये जो डार्ट की लेंथ है ये लेंथ शॉर्ट हो गया। अब यहीं पर और एक काम करना है, इसको CCW करके देखो, ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप का
बाहर की तरफ नोक आना चाहिए। अगर इसको अगर सी डब्ल्यू करोगे तो ये बहुत फ्लैट सा आ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अगर इसको रखोगे तो फिर इस टाइप का आपको डार्ट रखना होगा। ये डार्ट अगर आपने काट करना चाहते हो तो फिर आपको इस डार्ट को इस जगह से इस जगह तक इसको अप्लाई करो, ओके करो। करने के बाद फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर दो, यानी जैसा है बिल्कुल वैसे ही ये रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये जो पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको सिंगल पैटर्न बनाना है। सिंगल पैटर्न बनाने के लिए आपको बिल्ट फॉर, अच्छा उससे पहले यहीं पे एक लाइन है, चाहे तो इस लाइन को भी डिलीट कर दो। ठीक है, और डिलीट करने के बाद इसकी जो शेप है देखो कुछ इस टाइप का शेप आ रहा है ना। अब यहीं पे देखो जो उसकी शेप है बिल्कुल एज इट इज वही शेप दिखाई दे रहा है जो यहीं पे है, वैसे ही सेम आपको इस पैटर्न में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको सिंगल पैटर्न पे बनाना है। सिंगल पैटर्न बनाने के लिए आप चाहे तो बिल्ड से भी बना सकते हैं या फिर ट्रेस से भी आप बना सकते हैं। चलो ट्रेस से इसको बिल्कुल जैसा है वैसे ही इसको निकल लेते हैं। ये बहुत ही छोटा सा क्लास था, लेकिन इसके जो पैटर्न है ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न जो आपका लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब ये हो गया, इसको ले आते साइड। ठीक है, अब देखो जो ये लाइन है, चाहे तो इस लाइन को आप ट्रिम कर सकते हैं या फिर इसको इस जगह तक आप पॉइंट को यहीं पे लगाओ। लगाने के बाद इसको बाकी जो पॉइंट है इसको चाहे तो आप ट्रिम कर दो। ठीक है, और ये जो लाइन है चाहे इसको भी आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये यहीं तक नहीं चाहिए, इसको इस जगह पे इस जगह तक डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहीं तक ही बहुत है। अच्छा, यहीं पे देखो और एक है डार्ट, यहीं पे चाहे तो इस डार्ट को भी आप डिलीट कर दो क्योंकि ये डार्ट यहीं पे है नहीं। यहीं पे देखते हैं स्केच में, देखो ये जो डार्ट, ये जो डॉट 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 दिया हुआ है, ये डार्ट अभी फ़िलहाल नहीं है। चाहे तो आप दे भी सकते हैं फिटिंग के लिए, अगर ना भी दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न बिल्कुल रेडी हो गया है। ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न, यहीं पे देखो जैसा है बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ ये पैटर्न बन के रेडी हो गया है। तो ये छोटा सा क्लास था, बहुत सिंपल था, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का अगर आपके पास पैटर्न आए या फिर इसका जो स्केच है तो इसको अगर बनाना होगा तो फिर इसी टेक्निक से ही आपको बनाना होगा। और ये बहुत कॉमन पैटर्न है, लेकिन इसका जो टेक्निक है, बहुत लोग बहुत टाइप का बहुत टेक्निक पे बनाते हैं, लेकिन जो आसान टेक्निक है मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट टेक्निक है। अब इसी से काम करो, देखो इसके रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न मेकिंग का एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक नया डिज़ाइन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।